नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये जानकर बहुत ही खुशी होने वाली है क्योंकि संविदा शिक्षक वर्ग 1-2 की जो डेटें हैं वो फिक्स हो गई हैं। वो किस महीने में डेट फिक्स हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा जो आपके लिए काफी मददगार होने वाली है। अगर दोस्तों आप संविदा शिक्षक वर्ग से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने चैनल पर बहुत सारी संविदा शिक्षक वर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ वीडियो तैयार किए हैं जिससे आपको काफी फायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट न्यूज जो है वो जनवरी 2018 की है। संविदा शिक्षक भर्ती का आना तय हो गया है दोस्तों, क्योंकि कुछ पहले समय जानकारी मिली थी कि हो सकता है संविदा शिक्षक की भर्ती ना हो, है ना। तो लेकिन अब जो भर्ती है वो तय हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी इस भर्ती का जिक्र करते रहे हैं और यह भर्ती चुनाव के पहले घोषित हो सकती है। दोस्तों ये चुनाव के पहले होगी, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी अपनी स्पीड जरूर बढ़ा दें। दोस्तों अगर संविदा शिक्षक से संबंधित आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। और संविदा शिक्षक की भर्ती व्यापम द्वारा आयोजित की जाएगी। जो संविदा शिक्षक की भर्ती होगी वो व्यापम द्वारा ली जाएगी, जिसके ऑनलाइन फॉर्म मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे और ये ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत जो परीक्षा होगी। और अगर आपने अभी तक कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप कंप्यूटर कैफे पर जाकर थोड़ा सा नॉलेज रख लें कंप्यूटर के बारे में, है ना, तो आपके लिए काफी फायदेमंद हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं सहायता समूह सम्मेलन की महिलाओं के लिए 50% पद आरक्षण रहेंगे। ये घोषणा शिवराज सिंह चौहान जी ने की है कि 50% पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण कर दिए गए हैं। मतलब कि 40,000 जो पद वैकेंसी ओपन होने वाली हैं उनमें से 20,000 पद तो महिलाओं के लिए ही आरक्षित हो गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने 75,000 अतिथियों को भी निराश नहीं किया है दोस्तों, है ना। जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए काफी फायदा होने वाला है क्योंकि उनको तो अनुभव के अंक मिलेंगे, साथ में 25% आरक्षण का भी ऐलान हुआ है, इसलिए 15% बोनस अंक के रूप में अतिथि शिक्षक को देने का सोचा है। अब इतने आरक्षण के बाद सभी वर्गों को लिए सिर्फ 35% पद ही बचते हैं जिनमें सभी कोटे भी शामिल है। तो 25 जनवरी 2018 को जो न्यूज आई दोस्तों उसके तहत तीसरे और चौथे सेमेस्टर रनिंग उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। जो रनिंग में है वो भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए काफी खुशखबरी है यह है। यह सूचना हाल ही में लोकल समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है और परीक्षा तिथि व्यापम द्वारा निर्धारित होगी दोस्तों। तो याद रखें जो तिथि आने वाली है वो व्यापम तय करेगी कि ये तिथि जो है वो फरवरी में किस दिन तय करनी है। टाइम टेबल के अनुसार ही रहेगी और अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश के उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष सामान्य के लिए और मध्य प्रदेश के बाहर के उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष होगी। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी खुशखबरी है क्योंकि जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए तो 40 वर्ष कर दी गई है और वो उनके लिए काफी खुशखबरी है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और वैकेंसी ओपन नहीं हुई है जिस कारण से वो ओवर एज हो गए हैं, तो उनके लिए खुशखबरी। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो 23 जनवरी 2018 को आई है। हाल ही में लोकल समाचार पत्र में यह खबर आई है कि 7,000 पदों पर बिना डीएड बीएड वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब 7,000 पद इसमें ऐसे होंगे जिन पर बिना डीएड बीएड वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए खासी खुशखबरी की यह खबर है दोस्तों। यह खुशखबरी सिर्फ आदिवासी उम्मीदवारों के लिए है। ये जो खबर है वो एसटी एससी वालों के लिए है, ओबीसी और जनरल के लिए खबर नहीं है दोस्तों। ये आपके लिए काफी मददगार न्यूज है। यहाँ देखें सरकारी संविदा शाला शिक्षक चयन परीक्षा फरवरी, याद रखें दोस्तों फरवरी 2018 में करा सकता है जो परीक्षा है। जैसे मैंने आप जो परीक्षा तिथि है वो फरवरी में तय हो सकती है, तो याद रखें अतिथि शिक्षक को लेकर फैसला होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शासन। अगली जो न्यूज है दोस्तों वो काफी महत्वपूर्ण है और इसे आप ध्यान से पढ़ें। सरकार संविदा शाला शिक्षक चयन परीक्षा फरवरी, याद रखें दोस्तों जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि फरवरी में तय हो सकती हैं तारीखें, तो फरवरी में करा सकता है। अतिथि शिक्षक को लेकर फैसला होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने शासन को 90 दिनों का, दोस्तों ध्यान दें 90 दिनों में परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेज दिया है। अगर ऐसा हुआ तो अगले शैक्षणिक सत्र में, मतलब जो पढ़ाई का शैक्षणिक सत्र होता है उसमें मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को 41,000 शिक्षक मिल जाए। अगली जो नीज वो अतिथि शिक्षक से जुड़ी हुई है दोस्तों। अतिथि शिक्षकों को मिलेगा लाभ। संविदा शिक्षक चयन परीक्षा में अतिथि शिक्षक के लिए 25% पद आरक्षित रहेंगे।
जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए काफी खुशखबरी की बात है दोस्तों, क्योंकि 25% आरक्षण रहेंगे। इसके अलावा इन्हें अनुभव के अंक भी दिए जाएंगे, जिन्हें जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके अनुसार उनका सिलेक्शन होगा। व्यापम संविदा शिक्षक की भर्ती वर्ग तीनों में जो निकली है वो पोस्टें आपकी इस तरह से हैं। वर्ग एक, पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए आप और प्लस 5,000 पोस्ट इसके लिए निकली हैं। यहाँ देखें, वर्ग दो, स्नातक पास होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री होना चाहिए, 15,000 पोस्टें इसके लिए निकल सकती हैं दोस्तों, है ना। वर्ग तीन, 12वीं पास प्लस डीएड, 21,000 पोस्टें इसके लिए निकल सकती हैं दोस्तों। तो कुल टोटल पोस्टें आपकी 41,000 पोस्टें होती हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप संविदा शिक्षक वर्ग से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल पर जाकर और भी वीडियोस मैंने पढ़ाई से संबंधित बनाई हैं, तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। चलिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।